देखो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमारा क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना है हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर या वन सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार क्या दिया हुआ है, आधार आधार कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो इसका क्षेत्रफल बताया, क्षेत्रफल हमारा कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या पता है आधार, आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ऊंचाई, ऊंचाई हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो ऊंचाई का, या तो चाहे ऐसे लिख लो, ऊंचाई का फार्मूला लगाओगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है बताओ, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 बटे आधार, ठीक है, क्लियर है। अब जब इसमें रखोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 45 सेंटीमीटर और नीचे ये 15, ठीक है, और गुणे 2, ठीक है। अब जब इसको निकालोगे सॉल्व करोगे तो ये 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 3 = 45 और 3 2 = कितना हो जाता है 6, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी अगर जो आधार तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। या दूसरा तरीका है डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में लिख दो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 × b × h, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 45 और 1/2, बी कितना है हमारा बेस 15 और हाइट हमें नहीं पता है, ठीक। अब इधर ले जाओगे इसको तो 45 × 15 h, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 × 2/15, तो ये फिर 90/15, इसको डिवाइड करोगे तो 15 6 = 19, ठीक है, क्लियर है।